हेलो दोस्तों, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, हमने कल वाली क्लास में देखा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसके बाद लास्ट में हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होंगे, इजी होंगे, तो आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है, वो सब कुछ जानते ही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों, हमें पता है कि हम एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हम नाउन से फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब से फॉर्म कर सकते हैं, और एडजेक्टिव, अगर हमें एडजेक्टिव वर्ड गिवन है उससे भी हम एक और एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे बॉय से बॉयश, ठीक है। तो आप कभी शॉपिंग पे गए हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ कभी शॉपिंग पे गए हैं, तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपने कुछ ट्राई किया हो, तो आपके फ्रेंड्स आपको, जैसे लड़के होते हो तो उनको अगर आपने कुछ पिंक कलर या कुछ ऐसा फंकी सा कुछ ट्राई किया, और आपके दोस्तों ने मजाक मजाक में बोला ये तो काफी गर्लिश लग रहा है, मतलब काफी लड़कियों जैसा लग रहा है ना। और लड़कियों के साथ क्या होता है कि अगर हम जाते हैं, हम थोड़ा टॉम बॉय लुक लेना चाहते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, तो लड़कियां, मतलब हम बोलते हैं यार ये तो काफी बॉयश है। तो ये जो बॉयश से बॉयश आया और गर्ल से गर्लिश आया, तो ये बेसिकली अभी किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आपको कैसा लुक दे रहा है, समझ रहे हो आप। तो एक नाउन से हमने एक एडजेक्टिव फॉर्म कर लिया, मतलब बॉय से बॉयश, गर्ल से गर्लिश, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। बॉय से बॉयश, फूल से फुलिश, सबको पता है फूल कौन होते हैं, डर्ट से डर्टी, स्टॉर्म से स्टॉर्मी, केयर से केयरफुल, पैडन से पैडनेबल, प्ले से प्लेफुल, लाफ से लाफेबल, होप से होपफुल, आउटरेज से आउटरेजियस, वेंचर से वेंचरसम, ट्रबल से ट्रबलसम, एक सेकेंड, ग्लोरी से ग्लोरियस, शेम से शेमलेस, एनवी से एनवियस, सेंस से सेंसलेस, मैन से मैनली। मैन मैनली आपको वही बॉय बॉयश वाली चीज, गर्ल गर्लिश वाली चीज, मैन मैनली वाली चीज, ठीक है। सिल्क से सिल्किन, किंग से किंगली, गोल्ड से गोल्डन, ठीक है। तो आपने ये देखा, ये सारे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नाउन्स थे, और मैंने आपको ये दिखाया कि हम नाउन से एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो जब नाउन को आप ऐसे यूज करते हो, या नाउन के फॉर्म को आप ऐसे कन्वर्ट करते हो कि जब आप उसे किसी और चीज के साथ यूज करो ना, मतलब सेंटेंस में आप, तो वो आपको विशेषता बता रहे हैं, मतलब आपको चीज के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, या फर्दर कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो इसलिए हमने नाउन से एडजेक्टिव्स देख लिया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने नाउन से एडजेक्टिव देख लिया, अब हम वर्ब से एडजेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। जैसे टायर से टायलेस, सीज से सीजलेस, टॉक से टॉकेटिव, टॉक मतलब बात करना, और टॉकेटिव मतलब बात होनी, ठीक है। जैसे आप, शी इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, आपको पता, शी इज अ गर्ल, पर मैंने जब टॉकेटिव ऐड कर लिया तो आपको ये पता चला ना कि वो एक बातूनी लड़की है, ठीक है, मतलब वो पूरा टाइम बोल सकती है, ठीक है। मूव से मूवेबल। अब हम देखेंगे कि हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैजिक, ट्रैजिक अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ट्रैजिक अगर आप किसी चीज के साथ यूज करें तो आपको वो उसके बारे में ही बता रहा है, वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ट्रैजिक एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो ट्रैजिक ट्रैजिकल हो गया, ठीक है। ब्लैक ब्लैकिश हो गया, होल होल सम हो गया, व्हाइट व्हाइटिश हो गया। ये ब्लैक व्हाइट, ये सारे जो है ये एडजेक्टिव्स ही हैं, आप देख पा रहे होंगे। थ्री थ्री फोल्ड हो गया, सिक सिकली हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कैसे फॉर्म किया, हमने नाउन से एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म किया, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो कि बहुत कॉमन है, इसलिए हमने सिर्फ कॉमन वाले एग्जांपल्स देखे। अगर हम सारे वर्ड डिस्कस करें तो लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, और वो इस क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिस्ट देख ली जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ताकि आप लोगों को रेफर करने में आसानी हो, ठीक है।
तो आपने देखा कि हमने नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म किया, वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म किया, उसके बाद एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव फॉर्म किया, तो आपको पता चल गया फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव और आपने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। तो अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जैसा कि हम हर बारी करते हैं, आपको थोड़ा टाइम मिलता है सोचने के लिए, तो आपको आज भी थोड़ा टाइम मिलेगा सोचने के लिए, और आप उस बीच में सोच के अपना आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सप्लाई सूटेबल एडजेक्टिव्स। मैंने क्या कहा था कि आज की जो क्वेश्चन वाली क्लास है वो इजी होने वाली है, तो वो इजी क्यों होने वाली है, क्योंकि आज आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज आपको कोई, आप सही गलत नहीं होंगे, आपको जो सूटेबल लगे, जो भी सूटेबल एडजेक्टिव वर्ड लगेगा आप उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आप, मैं अगर एक वर्ड बोल दूं तो वही सही है, क्या पता आपने भी एक सूटेबल वर्ड निकाल लिया हो, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग है, तो आज हमें पता चलेगा कि कितने सारे वर्ड्स आपको पता है, कितने सारे एडजेक्टिव्स आपको पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन वाला राउंड। द टाउन स्टूड अ डैश सीज। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप सूटेबल एडजेक्टिव्स फिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बार सेंटेंस पढ़ के देखिए कि आपको सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है, वो कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है आपको, या आपको सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आ रहा है, कौन सा वर्ड सूटेबल है, तो आप ये थोड़ा सोचिए और उसके अकॉर्डिंग वर्ड डिसाइड कीजिए, ठीक है। जैसे द टाउन स्टूड अ डैश सीज। सीज क्या होता है दोस्तों, जब आर्मी मैन या पुलिस वाले एक बिल्डिंग या एक पर्टिकुलर एरिया को सीज कर लेते हैं, मतलब वो कवर कर लेते हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम सीज बोलते हैं, ठीक है। तो द टाउन स्टूड अ डैश सीज। अब सीज करना तो एक डरावना इंसिडेंट हुआ ना, तो आप इसमें कौन से वर्ड्स, मतलब सूटेबल वर्ड देखने हैं, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हो सकता है फियरफुल हो सकता है, या फिर स्केरी हो सकता है, या आपके दिमाग में भी कोई और वर्ड आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फियरफुल सीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश प्राइज वॉज वन बाय अ हिंदू। तो दोस्तों आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, तो सोचिए, आपके पास 2 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम है, आप फटाफट सोचिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कोई भी सूटेबल वर्ड चलेगा, बट थोड़ा सेंटेंस का आइडिया लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 5 सेकंड का टाइम हो गया, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान था, मतलब आप प्राइस के साथ कुछ भी ऐड कर सकते हो, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, ठीक है, लास्ट प्राइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सूटेबल एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फर्स्ट करूंगी, द फर्स्ट प्राइज वॉज वन बाय द हिंदू, ठीक है, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल वर्ड चूज किया, आप अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल वर्ड चूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि मैंने अगर एक वर्ड चूज कर लिया तो वही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डैश वुमेन लिव्स इन अ रेस्ट हट। तो आपको सेंटेंस का आइडिया लेना है कि आपको सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है, आपको रेस्ट हट से क्या समझ आ रहा है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। तो रेस्ट हट बेसिकली क्या होते हैं ना दोस्तों, एक झोपड़ी, एक हट होता है जो थोड़ी झोपड़ी की तरह होता है, या आप यही कह सकते हो कि झोपड़ी ही होती है, मतलब काफी बुरी कंडीशन में, ठीक है। तो इसके साथ आप कौन कौन से वर्ड्स एसोसिएट कर सकते हो, मतलब वुमेन ओल्ड हो सकती है, वुमेन पुअर हो सकती है, पुअर है तभी रेस्ट हट में रह रही है, या ओल्ड हो सकती है, पर ज्यादा सूटेबल आपको क्या लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे पुअर ज्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पुअर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी डैश मैटर, ठीक है। तो आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप कमेंट्स में आंसर करिए, आपको जो भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी डैश मैटर, तो हम कई बार ये लोगों को बात करते हुए भी सुनते हैं ना, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, या फिर आपको लाइट भी लग सकता है, दिस इज अ वेरी लाइट मैटर,
दिस इज अ, मतलब आपको जो भी एडजेक्टिव सूटेबल लग रहा है ना, आप वो फिल, जो भी आप सोच सकते हो आपको सूटेबल सेंटेंस की सेंस को फिट कर रहा है, आप वो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज अ वेरी, मुझे सीरियस ठीक लग रहा है तो मैं सीरियस यूज करूंगी, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज करें। द बैटल ऑफ वॉटरलू एंडेड इन अ डैश विक्ट्री। अब यहाँ पे विक्ट्री है, जीत की बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने सूटेबल एडजेक्टिव सोचिए, आपको थोड़ा टाइम दे रही हूं मैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ वॉटरलू एंडेड इन अ डैश विक्ट्री। तो विक्ट्री ग्रेट हो सकती है, ग्रैंड हो सकती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जीत, या ग्लोरियस हो सकती है। तो आपको जो भी ठीक लगे, ठीक है, वो आप फिल कर सकते हैं। मैं ग्रैंड फिल कर रही हूँ दोस्तों। अगला है, सडनली देयर अरोज अ डैश स्टॉर्म। अब यहाँ पे स्टॉर्म की बात हो रही है, तूफान की बात हो रही है, आपको उसके साथ जो भी वर्ड सूटेबल लगे आप सोचिए और इसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं चेक करूंगी कि आपको कितने सारे एडजेक्टिव्स पता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है, डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉर्म कैसे हो सकता है, मैसिव हो सकता है, ठीक है, वायलेंट हो सकता है, या आपको जो भी वर्ड समझ आ रहा है स्टॉर्म से रिलेटेड तो आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, अगला सेंटेंस है, इट इज अ डैश लाई। तो आप दोस्तों लाई, लाई के साथ आपको कौन सा वर्ड ठीक लग रहा है, आप वो फिल कर सकते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा और मुझे आंसर बताइए। तो दोस्तों इट इज अ डैश लाई। तो लाई के साथ ये हो सकता है डेलिबरेट लाई। डेलिबरेट मतलब जब आप कोई चीज जानबूझ के करते हैं, ठीक है, या आपको जो भी वर्ड सूटेबल लग रहा है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डैश टाइडिंग्स वर अ हेवी ब्लो टू द ओल्ड मैन। तो जिन लोगों को टाइडिंग्स का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज या फिर कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो द डैश टाइडिंग्स वर अ हेवी ब्लो टू द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर आपको सेंस समझ आ रही है सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग कोई एडजेक्टिव वर्ड ढूंढिए और वो फिट करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए सैड टाइडिंग्स, क्योंकि जो ये सेंटेंस है उसमें सैड वर्ड ही फिट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और वर्ड लगे तो आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला, हियर इज अ रूपी, पे द फेयर एंड कीप द डैश मनी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा वर्ड होना चाहिए, ठीक है, आप सोचिए जरा। मतलब ये बोल रहा है कि आप अमाउंट पे करिए जो भी फेयर का अमाउंट है, और उसके बाद बाकी जितना भी बचा हुआ है पैसा वो आप रख लीजिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो बचे हुए को क्या बोलते हैं, रिमेनिंग। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, रिमेनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिज रीडिंग इज ऑफ अ वेरी डैश रेंज। अब रेंज की बात हो रही है, जब रेंज की बात हो रही है तो रेंज हाई हो सकता है, लो हो सकता है, वाइड हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, पर यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है तो मुझे सबसे सुटेबल वाइड लग रहा है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंजर्ड मैन वॉन्ट्स अ डैश एडवाइस। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया गया इंजर्ड मैन। तो मैंने आपको कहा था ना कि आप एक सेंस डेवलप करें, सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग जानने की कोशिश करें। तो आपको पता चल रहा है इंजर्ड मैन, तो आप वो कौन सी एडवाइस मांगेगा। चलो मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों टाइम ओवर हो गया, मैं आपको बताती हूँ, जब कोई इंसान घायल होता है तो वो आपसे कैसी एडवाइस मांगेगा, ऑब्वियसली वो आपसे मेडिकल एडवाइस मांगेगा ना।
स्मार्ट एडवाइस या कोई मतलब जनरल एडवाइस नहीं मांगेगा, वो आपसे मेडिकल हेल्प मांगेगा। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल जो वर्ड मुझे लग रहा है वो है मेडिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू कैन नॉट हैव इट डैश वेज। आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप इसका आंसर बताइए मुझे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यू कैन नॉट हैव इट डैश वेज, यहाँ पे डैश जो है आप बोल सकते हैं बोथ वेज, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्या है सूटेबल कि सब यहाँ पे डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी, सब अपनी ड्यूटी करे। तो यहाँ पे सब अपनी ड्यूटी करे उसका क्या है वर्ड, एवरी, तो एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डैश बोर्ड कैचेस द वर्म। ये तो भैया एक प्रोवर्ब भी है, आप सबको बता होगा, आप फटाफट बता देंगे कि क्या एडजेक्टिव यूज होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों द डैश बोर्ड के साथ कैचेस द वर्म, आपको पता ही है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चीज, तो डिस्कस कर लेते हैं। द अर्ली बर्ड, वो कहते हैं ना जो सुबह जल्दी उठता है, वो वाली बात ही है, ठीक है। तो द अर्ली बर्ड यहाँ पे जो सूटेबल एडजेक्टिव है वो मुझे लग रहा है अर्ली, और ये एक प्रोवर्ब है तो अर्ली ही है, ये आपको जो सूटेबल लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैव यू एनी डैश रीजन टू गिव। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपके पास कोई डैश रीजन है, तो आप क्या भरेंगे। मेरे हिसाब से वर्ड होना चाहिए वैलिड, क्या आपके पास कोई वैलिड रीजन है अपनी बात को रखने का, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मैं, मेरे हिसाब से अगर मैं सेंटेंस की सेंस को देखूं तो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो डैश एंजाइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइटी और हेल्थ की बात हो रही है, और आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड ज्यादा सूटेबल लग रहा है वो आपको देखना है। जैसे कि मुझे लग रहा है कॉन्स्टेंट वर्ड, कॉन्स्टेंट एंजाइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ, क्यों, क्योंकि जब आपको एक एंजाइटी है सबको होती है, ठीक है। मतलब थोड़ी, मतलब कई बार क्या होता है कि किसी को स्टेज में जाने से एंजाइटी हो जाए, किसी को एग्जाम्स के लिए एंजाइटी हो जाए, तो आपकी हेल्थ कब खराब होगी, जब एंजाइटी कॉन्स्टेंट होगी तब आपकी हेल्थ खराब होगी। तो हम क्या कहेंगे, डैश एंजाइटी मतलब कॉन्स्टेंट एंजाइटी, ठीक है। अगला है, देयर वर राइट्स एंड डैश प्लेसेस, ठीक है। तो आप डैश प्लेसेस में क्या फिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें फिल कर सकते हैं, मेनी प्लेसेस में हो सकता है, सेवरल प्लेसेस में हो सकता है, ठीक है। तो आप मतलब दंगे हो रहे थे अलग अलग जगह पे, ठीक है, या लिमिटेड प्लेसेस में, तो आपको जो यहाँ पर ठीक लगे आप वो वर्ड फिल करिए, ठीक है। एंड डैश मैन विल नॉट रीजन कामली, ठीक है। आपको मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा टाइम दे रही हूँ, 5-10 seconds का, फिर आप मुझे अपना आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे देखो एन है, अब एन है तो आपको पता है कि हम एन कब यूज करते हैं, एन हम तब यूज करते हैं जब हमारा अगला जो वर्ड है वो कोई वोवल साउंड हो। तो अब अगर मैं यहाँ पे एडजेक्टिव देखूं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ठीक एंग्री, क्योंकि वहां पे एक वोवल साउंड आ रहा है तो एन का यूज है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगी, एंग्री। और ठीक है, वो सेंटेंस के सेंस के साथ भी ठीक चल रहा है, तो मेरा जो एडजेक्टिव यहाँ पे मैं यूज करूंगी वो एंग्री होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ही स्टैंड्स डैश फीट इन हिज स्टॉकिंग्स, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डैश फीट, अब यहाँ पे आपको नंबर बताना है तो आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली फीट की बात हो रही है तो आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। अगला, नेल्सन वन फॉर हिमसेल्फ डैश फेम, अब यहाँ पे फेम की बात हो रही है तो आपको सोचना है कि फेम के साथ कौन सा सूटेबल वर्ड है जो इस सेंटेंस को फिट हो, ठीक है। तो दोस्तों जब फेम की बात हो रही है तो ज्यादातर क्या होता है कि अगर किसी ने शोहरत कमाई होती है तो वो हमेशा के लिए होती है,
मतलब अगर कोई इंसान फेमस हो जाता है ना, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है अपने कामों की वजह से, या आप फॉर एग्जांपल कोई अच्छा इंसान जब मर जाता है तो उसकी मिसालें लोग बहुत टाइम तक देते हैं, मतलब वो चलती रहती है, उस इंसान को लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो जो फेम होती है ना, ये चीज ज्यादातर इटर्नल होती है, जो आप फेम अर्न करते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा काम करें तो मेरे हिसाब से सुटेबल वर्ड इटर्नल होना चाहिए, पर आपको जो भी लगे आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, आई हैव नो डैश कैश। तो आपको यहाँ पे क्या सुटेबल लग रहा है, आपका जो भी सुटेबल लग रहा है आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव नो रेडी कैश, ठीक है। आपको जो भी सुटेबल लग रहा है आप वो फिल कर सकते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों, ये रेजर काम नहीं कर। ठीक है दोस्तों, जो आपको सुटेबल लगे आप वो फिल कर सकते हैं। अगला है, ही ऑलवेज वॉक्स विद अ डैश स्टेप। अब यहाँ पे स्टेप की बात हो रही है, उसके चलने की स्टाइल की बात हो रही है, तो आपको कौन सा एडजेक्टिव ज्यादा सुटेबल लग रहा है आप वो फिल कीजिए। आपको थोड़ा टाइम मिला है, आप जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आपका टाइम ओवर हो चुका है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ही ऑलवेज वॉक्स विद अ डैश स्टेप, तो मैं बोलूंगी फर्म स्टेप, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्म होना चाहिए, ठीक है। डैश एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड, कौन से एरर्स यहाँ पे बात हो रही है कि एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड। तो अब एरर्स के साथ आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ड बेटर फिट होगा, आप वो सोचिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो वर्ड होना चाहिए वो है प्लॉजिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग, ये भी एक कहावत है अपने आप में, तो आपको पता ही होगा। ये तो बहुत आसान है, तो मैं बता ही देती हूँ। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो इस क्वेश्चन के कोई पॉइंट्स नहीं है, मतलब अगर आपने नहीं किया तो फिर थोड़ी क्या कहते हैं वो बुरी बात है, बट अगर आपने कर लिया तो तब भी कोई पॉइंट्स नहीं है, बहुत आसान था, सबको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज अ मैन ऑफ डैश एम्बिशन। अब यहाँ पे एम्बिशन की बात हो रही है, तो एम्बिशन के साथ आप कौन से वर्ड्स ऐड कर सकते हो, कौन से एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हो, वो सोचिए। जैसे मैं बोल सकती हूँ एम्बिशन ग्रेट हो सकता है, हाई हो सकते हैं एम्बिशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो वर्ड ठीक लगे आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज करूंगी वो है ग्रेट। अगला सेंटेंस है, ही वॉज लिसन टू इन डैश साइलेंस, तो ही वॉज लिसन टू इन डैश साइलेंस में साइलेंस के साथ आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब साइलेंस की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे बोलते हैं ना, काफी गहरा सन्नाटा था, ऐसे बात करते हो, तो गहरा सन्नाटा मतलब डीप या फिर प्रोफाउंड, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए। आज हमने देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया कि कौन से सूटेबल एडजेक्टिव्स वर्ड्स यूज होने चाहिए, और आपको सेंटेंस देख के आपको थोड़ा आइडिया लग गया। और ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे, जब आपको पैसेज दिए होते हैं ना और आपको चार पांच ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको गेस करना होता है यार ये कौन सा ऑप्शन सेंटेंस के साथ फट जा रहे हैं, तब आपको सेंटेंस की सेंस समझनी होती है, तब आपको थोड़ा गौर करना होता है कि आपको सेंटेंस कन्वे क्या कर रहा है। वो चारों एग्जैक्टली मतलब ये बोल सकते हैं कि काफी सिमिलर होते हैं वर्ड्स, या होता है कि कई बार बिल्कुल अलग वर्ड्स होते हैं, कई बार काफी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो आपको सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस की सेंस समझनी होती है, आपको ये समझना होता है कि सेंटेंस आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, फिर उसके हिसाब से आपको सूटेबल वर्ड चूज करना होता है, ठीक है। वहां पे आपको सूटेबल वर्ड्स, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको वहां पे हेल्प करेगी, जहां पे आपको सूटेबल वर्ड्स चुनने होते हैं, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखिए, आप सेंटेंस पढ़िए, आपको सेंटेंस क्या सेंस दे रहे हैं,
जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसके बाद सोचिए कि आपको कौन सा वर्ड फिल करना है। तो ऐसा आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।